आउटर दिल्ली के पश्चिम विहार में एक रोड एक्सीडेंट की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस एक्सीडेंट में एक एसयूवी कार एक स्कूटी को टक्कर मारती है, जिसमें कि स्कूटी सवार शख्स करीब 20 फुट ऊंचाई तक हवा में उड़ जाता है। ये पूरा हादसा एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई। ये एक्सीडेंट मंगलवार सुबह का है, जब ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा था। पंजाबी बाग से पीरागढ़ी की ओर जाने वाले चौराहे पर लाइट येलो थी और इस बीच तेज रफ्तार से एक एसयूवी कार आती है। उसी समय पीरागढ़ी की तरफ से आ रही स्कूटी रेड लाइट पर मुड़ती है और एसयूवी कार उसमें जोरदार टक्कर मारती है। फुटेज में साफ नजर आता है कि टक्कर के बाद स्कूटी सवार एक आदमी करीब 20 फुट हवा में उछल कर गिरता है और इस बीच एसयूवी सड़क किनारे नाले की दीवार तोड़कर उसमें गिर जाती है। इस घटना में स्कूटी के पीछे बैठे अरविंद की मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा दुर्गेश और सड़क किनारे पैदल चल रहा एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरे ब्रदर एक्चुअली ऑफिस के लिए जा रहे थे, यहाँ से मेट्रो पे जाते हैं रोज, पैदल जाते हैं इधर से, तो B5 में हमारा घर है पश्चिम विहार में, तो यहाँ से वॉक करते जा रहे थे, तो वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी आई, हिट करा सीधा और फिर जाके उनके सर पे चोट लगी। घटना के तुरंत बाद एसयूवी चला रहा शख्स फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को जमानत मिल गई है। दिल्ली से आरती पांडे के साथ नवीन निश्चल, नवोदय टाइम्स।